भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ बढ़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। बातें कम, काम बढ़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है जिनके सपने बढ़े होते हैं। वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया। रात स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। आज का विचार व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंत मन को छू जाती है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। अल्फाज सारे रद्दी हो जाते हैं, जो सुनने वाला घर कबाड्ढी अस हो तो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बद्धी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। कड़वी बातें। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि के खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36, नहीं केवल चार चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। जर दे दो सीधा, सीधा किसी को झूठी बात, भरोसा, कसम और आस मत दो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अच्छी अच्छी बातें, अब सबक है अच्छी अच्छी बातें, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है
वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अच्छाई और सच्चाई। चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपना वह होता जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बांट से नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हिम्मत रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता। सब वक्त का खेल है। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वो विवेक को ही खा जाए। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। खड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वो है विश्वास। मेंढक को चाहे सोने के गद्दी पर बिठाओ या राजगद्दी पर, वो छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते, वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय, अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी, ये ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़कर